एक का टॉप ऑफ द लाइन थाउजेंड वॉट्स का मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर है ब्लॉक के बारे में बात करते हैं ये सेफ्टी पर्पस के लिए जो नेविगेशन मैप है इसके सारे फीचर्स ये वाला आपको मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड का है मॉडल आता है एंड्रॉयड है ये तो वेल हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी ऑप्शन मिस्ट्री देना बैक विद अनदर वीडियो तो मैंने सोचा क्यों ना एक काफ़ी अच्छी कार आपको दिखाई जाए जो मेरे किसी फ्रेंड की है जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छी अच्छी चीज लगवा रखी है ये नहीं कि उस गाड़ी का ही जोकर बना दिया कुछ ज़्यादा लाइटिंग कर दी कुछ ज़्यादा स्टिकरिंग कर दी कि उसकी लुक ख़राब हो गई बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेस मॉडल है वो गाड़ी और उसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जो भी सारी बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हो सकती थी सारी उसके अंदर लगा के रखी हुई है अच्छे से अच्छा सिस्टम महंगे से महंगा सिस्टम टच सेंसर एवरीथिंग इज़ गुड और अभी मेरे सामने ही वो गाड़ी खड़ी है पहले मैं उसके सिनेमैटिक्स आपको दिखाऊंगा फिर मैं गाड़ी के बारे में बात करूँगा गाड़ी में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं गाड़ी किसकी है अभी हम कहाँ पर आप देख सकते हो वैसे हम अभी हम फार्म हाउस पर हैं जहाँ पर हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं जो आपको कभी ना कभी चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं और अभी हमारे पास दो गाड़ीज़ हैं मैं दोनों गाड़ी की वीडियो बनाऊंगा काफ़ी अच्छी वीडियो बनने वाली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर जरूर करेगा आपको पसंद आती है अगर आपके पास भी गाड़ी और आप भी ऐसी गाड़ी बनाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे स्पीकर हैं जो आपकी गाड़ी में फिट हो सकते हैं और हम फॉर सेल है वो सारी चीज़ें तो वह सिनेमेटिक्स इंजॉय करो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कार कौन सी है तो अभी तो मैं एकदम कार के एकदम स्टिक होकर ही खड़ा हूँ तो गाइज लेट्स रिवील द कार और मैं दिखाता हूँ आपको ये रही कार हमारी और अभी अगर आपको बाहर से ऐसा लगे किसके अंदर क्या लगाओ बट बहुत सारा सामान लगाओ हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कार्स के आप एक बार लुक्स इंजॉय करो तो लेट्स स्टार्ट द सिनेमेटिक्स सो भाई जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के सारे सिनेमैटिक्स दिखाए मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको सिनेमैटिक्स कैसे लगे अंदर से मैंने चीज़ दिखाई इसके अंदर क्या किया मैंने सारे सिनेमैटिक्स में दिखाएं बट मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा तो मेरे साथ है विक्की कपूर भैया जिनकी पर्सनली मैं कार है इनके पास दो कार से है एक वहाँ पे खड़ी हुई है और एक यहाँ पे खड़ी हुई है तो भैया क्या हाल है सबसे पहले तो तो ये भैया की कार है भैया कौन सी कार है वैसे आपकी ये स्पोर्ट है ईको स्पोर्ट और कौन सा मॉडल बेस मॉडल बेस मॉडल और कब ली थी आपने वैसे ये ऑलमोस्ट

ये स्पेशल मैंने परचेज किया है में। अच्छा अच्छा किसी को अगर चाहिए होगा तो ये मिल जाएगा पाँच का सेट पूरा पूरा पाँच का सेट और टायर एकदम इसका बड़ा साइज है थोड़ा 17 17 इसका जो है आप देख सकते हैं सत्रह इंच, इंच, इंच का साइज है और इसके अंदर जो कम्पनी से टायर आता है वो आता है वो पंद्रह इंच में पंद्रह इंच का तो आपने सत्रह इंच का लगवा वो लाइट्स हैं जो बेस मॉडल के अंदर आती हैं जो कंपनी फिट करके देती है बट भैया ने इसके अंदर दूसरी लाइट्स लगा रखी है आप देख सकते हो अंदर से पूरी ये ब्लैक आउट हो रखी है ये जो आप ब्लैक ब्लैक लाइंस देख रहे हो ये अंदर से हुई है तो भैया इन लाइटों के बारे में जरा कुछ बताते हैं है हमें ये टॉप मॉडल की लाइट्स है एक्चुअल में अच्छा और इसको फ्रेम को इसको पूरा ब्लैक आउट किया हुआ है एकदम आप देख पाएंगे ब्लैक आउट है इंस्टेड ऑफ ग्लॉसी फिनिश ब्लैक आउट फिनिश है क्योंकि इसके एक कंपैरिजन में भैया ने यहाँ पे रैपिंग करा रखी है ब्लैक कलर की थ्री एम mm की टेपिंग के साथ तो ये इसकी मतलब जो ऐसे मार्केट कॉस्टिंग आती है वो क्या आती होगी मार्केट कॉस्टिंग इसमें पूरा ही रोल यूज़ होता है एक्चुअली फ्रंट का पूरा यूज होता अच्छा, है अच्छा उसके बाद कटिंग की जाती है ये थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ का हुआ है मेरा ये अच्छा थर्टी फाइव हंड्रेड और ये जो लाइटिंग क्या आती होगी ये पूरा इस किट के साथ औरजिनल एच आई किट जैसा इसमें बाईस जनन लैम्प्स लगे हुए उसके लगे। साथ ये साढ़े नौ हज़ार का साढ़े नौ हज़ार का तो क्या अब मैं दिखाता हूँ इसका बूट खोल के कि उसके अंदर क्या चीज़ें रखी हुई हैं और क्या ये वाली लाइट आप देख रहे हो ये सारी भी बाहर से लगवाई गई है और यहाँ पे अब जो लाइट होती है ये पीछे ब्रेकिंग की तो वो भी ब्लैकआउट कराई गई है पूरी और जो मैं कह रहा था पीछे जो स्टेपनी के लिए रिम होता है वो भी अलग से लगवाया गया है कर्ज तो लिए थे भैया ने ये नहीं कि चार ही ले थे पीछे वाली की लुक रखने के लिए भी अच्छी वाली उसके लिए भी अलग लिया था अब खोलते हैं हम बूट को कि इसके अंदर कौन सा सिस्टम रखा हुआ है so सो वैस ये यहाँ पर ये सिस्टम पड़ा हुआ है सिस्टम लगाने को काफी सारे अभी भी लग सकते हैं स्पीकर्स इतने बड़े यहाँ पे एक फोटो आ रही होगी स्पीकर्स आप देख सकते हो कितने सारे है। ये लगा रखा भैया इसके बारे में कुछ बताओ जो सब है ना हाँ हाँ ये आपका का है, ये सब। का। जितना बड़ा आपका इसका ये सब बूफर का बेस दिख रहा है ना बारह बड़ा मैग्नेट नीचे है उतना ही बड़ा उतना ही बड़ा मैग्नेट है दिखाएंगे बट उससे जब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो इसको इंजन को खोल के साफ रखा हुआ है एक भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं दिखेगी ये देख सकते हो कितनी सारी पाइप लाइनिंग सारी चीज़ें इसके अंदर सब कुछ साफ एकदम मेन्टेन पड़ा है यहाँ पे भी ये मिरर्स लगे हुए हैं अभी थोड़ी ना बारिश आने लगी आप देख सकते हो तो जल्दी जल्दी बाहर का निपटा के चलते हैं फिर अंदर ये जी टीम बी एच पी का यहाँ स्टिकर लगा हुआ है तो ये जो मिरर्स है आप रियर व्यू मिरर्स हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होता है ये तो अपने को कंपनी देती है वो इन्हें एक्स्ट्रा भी लगवाए हैं दो ताकि और अच्छा पीछे का व्यू मिले अब चलते हैं अंदर जो टच स्क्रीन लगी हुई है लॉक लगा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें अंदर भी कैमरा लगा हुआ है नेविगेटर है वो सारी चीज़ दिखाता हूँ जैसे कि हर कार में आता है यहाँ पे एक ए सी इवेंट है यहाँ पे दो ए सी इवेंट्स हैं और एक वहाँ पे कोने में यहाँ से यहीं से आप भी अपने डोर्स लॉक कर सकते हो यहाँ से आपकी विंडो कंट्रोल होती है बाकी अब अंदर चलते हैं कि हमने इसके अंदर ये देखो बारिश कितनी थे जागी है फिर भी अभी हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने और किसी इको स्पोर्ट में नहीं देखी थी काफ़ी सारी इको स्पोर्ट देखी है सबसे पहले बात करते हैं इस टच पैड के बारे में तो ये इसके बारे में कुछ इसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है मार्केट टॉप ऑफ द लाइन टच पैड है टॉप मॉडल पे आता है उसी अच्छा अच्छा ये वाला मॉडल आता है एंड्रॉइड है ये बेसिकली ये टॉप मॉडल में आता आप... है ना यहाँ से आप ये देखिए सारा कुछ है इसमें अच्छा सारी चीज़ है सारा चीज़ है इसमें इसके इस अंदर अगर आपको म्यूजिक सुनना है या वीडियोस देखनी है वॉलपेपर सारी चीज़ें सेट कर सकते हो आप इसके अंदर यहाँ से आप अपना गाना चेंज कर सकते हो इसको घुमाओगे तो गाना चेंज हो जाता है और इससे आप वॉल्यूम अप डाउन अप डाउन कर सकते हो बारिश काफ़ी तेज आ चुकी है और अब इस स्क्रीन की कॉस्टिंग क्या आती है भैया ये पड़ेगी आपको अठारह हज़ार अठारह हज़ार रुपये की, की। अच्छा अगर हम मार्केट से लेते तो अठारह हज़ार रुपये की पड़ेगी और क्या इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होम बटन नेविगेशन अगर हमें नेविगेशन मीडिया फ़ोन कॉल भी अगर हमें उठानी है तो रेडियो भी है और यहाँ पे ये माइक लगा हुआ है ताकि अगर आप बात कर रहे हो तो वो डायरेक्ट ऑडियो आपकी क्लियर आए किसी से भी आप बात कर रहे हो गाड़ी के अंदर दो नेविगेशन है ये रहा एक गारमेंट का और एक वहाँ पर लगा हुआ है एकदम फ्रंट लुक के सामने तो कैसे ये देख सकते हो ये भी गारमेंट का टॉप ऑफ द लाइन सारी चीज़ें ये सारी जो नेविगेशन के लिए आती हैं तो भैया इसकी क्या कॉस्टिंग आती है वैसे ये वाला आपको मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड का है ये 50, मार्केट पे। पे। अच्छा अच्छा मेरे से अगर चाहिए होगा ये ट्वेंटी का मिल जाएगा 28 10 इंचेस है ये साइज इसमें भी सब चलता है। अच्छा कुछ भी चलाना सब, सब, कुछ सब कुछ चलता है टी वी भी चलता है इसमें अच्छा अच्छा अगर हमारे पास कनेक्शन होगा टी टीवी चलता है कनेक्शन है तो टीवी वी चलेगा सर और ये जैपनीस है और एक और यहाँ पे भी लगी हुई है गार्मेंट की सेम ही और इसकी छोटी वाली क्या कॉस्टिंग आती होगी छोटी वाली ये वाली हमारे पास मिलेगी छः हज़ार आठ सौ की अच्छा छः हज़ार आठ सौ की अगर छोटी वाली चाहिए तो ओरिजिनल मेड था यस तो ये जो नेविगेशन मैप है इसके सारे फीचर्स तो यहाँ पे व्यू मैप पे क्लिक करोगे तो वो मैप ऑन हो जाएगा आप देख सकते हो सारी नेविगेशन फिर आप यहाँ से बैक करोगे तो बैक चला जाएगा वेयर यू आर वीडियो कॉल टी वी वॉल्यूम आप टूल्स इसमें काफ़ी सारे टूल्स भी मैं आप आपको टूल्स दिखाता हूँ तो वह जैसे ही आप टूल्स पर क्लिक करते हो उसके अंदर काफ़ी सेटिंग्स एंड पे ट्राफ काफ़ी सारी चीज़ें हैं रिकॉर्डर भी है इसके अंदर तो प्लेयर मीडिया प्लेयर वर्ल्ड क्लॉक अलार्म क्लॉक कैलकुलेटर भी है इसके अंदर बताओ गई पिक्चर्स है इसके अंदर काफ़ी सारी वॉल पेपर सेट कर सकते हो आप यहाँ पर वीडियोस भी इसके अंदर प्ले हो जाती है काफ़ी सारी गैस आप देख सकते हो ये पर्सनल गार गारमेंट की जो कंपनी वाली वीडियो होती है वही सारी हैं अब बात करते हैं इस वाली सिक्योरिटी की हम कह पहले तो आप पीछे लेंस देखो कितना बड़ा लगा हुआ है देखो ये देखो गई ये विथ रिकॉर्डिंग है फुल एच है फुल एच है विथ रिकॉर्डिंग है और जैसे ही गाड़ी किसी को टच करती है हिट करती है या मेरी गाड़ी को कोई शेक करता है हाँ पार्किंग हाँ पे ये अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है अच्छा रिकॉर्ड कर लेता है और ये कौन सी कंपनी का प्रो प्रो कस का प्रोज यहाँ पे आप सारी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो अब मैं इसकी फ्रंट लुक दिखाता हूँ आपको गाइज ये देख सकते हो ये रही फ्रंट लुक इसकी तो ये ऐसा कुछ इसके अंदर सीन है सारी चीज़ें हैं और इसकी क्लैरिटी भी देख सकते हो और ये जो वायर है यहाँ पे हमारी इसके अंदर ज्वाइन हो रखी है सिगरेट पोर्ट के अंदर ये हमेशा ऑन रहता है

लॉक के बारे में बात करते हैं ये सेफ्टी पर्पज के लिए लॉक होता है ये आपका जो गियर शिफ्टर है इसको लॉक कर देता तो मैं भैया को बोलूंगा एक बार इसको लॉक करके दिखा दे कि अगर इन केस किसी को नहीं पता है तो वो देख लेगा दिखाना इसको रिवर्स डाला आपने हाँ और। ये ऐसे करके आपका गियर लेवल जो है लॉक हो जाता है तो आपकी गाड़ी कोई भी अगर चोरी करने की कोशिश करता है तो वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना टाइट लॉक वो पहली बार खोल ही नहीं पाएगा इसकी भी कॉस्टिंग आती है अराउंड ट्वेल्व हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड के अंदर आ जाती है सो so, गए अब मैं बताता हूँ हमको सीट्स के बारे में ये देखो देखोगे साहब कितनी सॉफ्ट सीट्स हैं बिल्कुल यहाँ पे हाथ लगाने के साथ ही ये पूरी ऐसे मतलब जो वेलवेट होता है ना कि आप थोड़ा हाथ लगाओगे गंदा हो जाता है तो ये वो वाली सीट्स हैं भैया इन सीट्स के बारे में कुछ बता बताया जरा ये सीटें एक्चुअली बिल्कुल ही सॉफ्ट ये अपनी महंगी गाड़ियों में आती है ज़्यादातर वैसे अच्छा अच्छा तो मैंने ये स्टिचिंग वाली

और गैस ये है इको स्पोर्ट का जो अंदर ही मतलब कंपनी से टायर आता है फिफ्टीन इंचज वाला और हमने लगा रखे हैं सेवनटीन इचेस के उसके अंदर अलॉज विद टायर्स तो गैस अगर किसी को भी ये टायर चाहिए जो कंपनी देती है पाँच का सेट है और ब्रांड न्यू टायर्स है लिटरली पूरा ब्रांड न्यू है बिल्कुल भी नहीं चला है क्योंकि जो चलाया वही टायर चलाओ गाड़ी अभी तक तो 6000 चली है तो आप सोच ही लो टायर क्या ही चलाओ क्योंकि जब से मैं भैया के साथ से तो वही टायर्स देख रहा हूँ अगर किसी को भी चाहिए ये टायर्स तो फॉर सेल है हमें मैसेज करो हम आपको पाँचों टायर का सेट दे देंगे एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस एक बेस मॉडल इको स्पोर्ट को कैसे भैया ने कन्वर्ट करे टॉप मॉडल इको स्पोर्ट में इसके अंदर जो भी सारा सामान लगा था सारा ब्रांडेड सामान था कोई ज़्यादा एसेसरीज नहीं लगाई है ताकि गाड़ी की लुक बिगड़ जाए गाड़ी की लुक नहीं बिगाड़नी है सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखानी है कि जो बेस मॉडल थी यार पूरी नेक्स्ट लेवल में कन्वर्ट कर दी अंदर बैठ के थोड़ी प्रीमियमनेस फील हुए अब मैं दिखाता हूँ आपको साइड में एक और कार खड़ी है हमारे पास जिसका होने वाला है नेक्स्ट वीडियो आप एक बार इसमें चीज़ें चेक करो ऊपर नीचे अंदर इसके अंदर जितना सामान भर के लगा हुआ है ना उतना मैंने इस वाली कार में कहीं पर भी नहीं देखा है कहीं पर भी नहीं देखा है इसमें बॉडी किट एवरी थिंग लगा पर वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं इसके लिए मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो हमने सिस्टम्स लगा रखे हैं जो स्क्रीन है सारी चीज़ें हम पे वैसे भी अवेलेबल है अगर आपको परचेज़ करनी है अपने लिए तो हमें आप बता सकते हो कॉल कर सकते हो यहाँ पे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे कोई भी चीज़ की डीलिंग करो सारी चीज़ें जेनुअन है कुछ भी फ्रॉड का काम नहीं है अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कोई भी टाइप का परफ्यूम चाहिए कोई भी टाइप का कैमरा चाहिए काफ़ी सारी चीज़ें यार वो सारी वीडियो जाके चेक करो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को बाकी चलते हैं आज इस वीडियो को एंड करते हैं टिल देन बाय